ये मोबाइल थोड़ा भाई मोबाइल थोड़ा पीछे कर लेना भाई, माइक माइक लगाइए। आप निकल जाओ यार, आप बाहर ले लेना। अरे यार ले आओ ना, फिर आ जाना। जिस दिन से चौधरी नफर सिंह राठी पर शरेआम गोलियां मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। मैंने तुरंत SP जो झज्जर है उससे फ़ोन पे बात करी और मैंने उनको इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने राठी साहब को ये जानकारी दी है और राठी साहब आपसे स्वयं आकर के मिल रहे हैं, लिखित में आपको देंगे और आप इनको सक्षम भेजा कराओ और इस बात की आप अपनी पुलिस की जिम्मेवारी लगाओ कि ये थ्रेट इनको कैसे मिली, कौन लोग हैं इसके पीछे। जहाँ उन्होंने SP को लिखित रूप में दिया, वहीं होम मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, आपके DG को भी और उसके इलाहदा जो CID का चीफ है उसको भी, होम सेक्रेटरी को, इनको भी लिखित रूप में दिया कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है। और मैंने भी सभी अनेक बार ये बात इन लोगों के साथ शेयर की। राठी साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, तो 2 दफ़ा के विधायक थे, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ वे XMLA के एसोसिएशन उसके अध्यक्ष थे। XMLA ने भी मिलकर के चीफ मिनिस्टर को ये बात कही, बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते रहे जो लोग लगातार इस थ्रेट में शामिल थे। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, जो नशे के कारोबार में शामिल हैं, जो अपराधियों को पनाह देने में शामिल हैं, उन लोगों को तो सुरक्षा प्रदान कर रखी है और जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसको सुरक्षा देने की बजाय मुख्यमंत्री ये बात शरेआम पब्लिकली ये बात कही कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है कि मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो इसका मतलब जंगल का राज है, फिर तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। फिर तो मान के चलो इस किस्म के लोग कभी भी किसी के ऊपर घर में जाकर भी इस तरह की वारदात कर सकते। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूँ, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ, जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई व्यक्ति अगर सुरक्षा की मांग करता है, अगर आपको लिखित रूप में देता है, आप उसकी जांच कराओ। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उसको लिख करके बताओ कि तुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर उसको सुरक्षा की जरूरत है तो उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। मेरे अपने केस में जब मुझे थ्रेट आई थी, मेरे PA ने जाकर के जब FIR दर्ज करी तो मुझे एक दफ़ा तो सुरक्षा दी गई, फिर विड्रा कर दी और उसके बाद फिर मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से फिर सुरक्षा दी गई। आज BJP का अगर प्रदेश का अध्यक्ष कहीं जाता है तो उसकी सुरक्षा में जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगाई जाती है वहीं उसके साथ 2 गाड़ियां परमानेंट सरकार की तरफ से दी गई। यहाँ का जिला का अध्यक्ष भी अगर कहीं जाता है तो उसके पास भी सुरक्षा,
कोई भाजपा का छोटा मोटा झंडा बांध करके कहता है मैं कार्यकर्ता हूँ, अगर वो सुरक्षा मांगता तो उसको ही प्रदान कर दी जाए। 6,000 से ज़्यादा कर्मचारी पुलिस के जो है ऐरे गहरे रत्तु खैरे लोगों की सुरक्षा में लगाई हुई है। जबकि